इंटरनल रेजिस्टेंस की हम एंड में डेफिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस इज दैट रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल, कब जब उसमें से क्या फ्लो कर रहा है, करंट। भाई जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, स्मॉल आर हो ना हो फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसका रोल ही नहीं है। फिर तो 9 वोल्ट करके बैटरी बेचनी है दुकान पे, करना क्या है, तो ये थोड़ा बताना है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। वो तो घर जाके बंदा देखेगा कि लेके तो 9 वोल्ट का सेल आया था पर ये चल तो 7 वोल्ट पे रहे, तब पता लगेगा अच्छा अच्छा इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी थी, ये इसका मतलब है। ठीक, नेक्स्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। मैंने बता दिया इट इज डिफाइंड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी की बात कर रहे हैं, ये वी किसके अक्रॉस है, दो इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस है इन अ क्लोज्ड सर्किट। अगर मैंने की को नहीं दबाया, सेल में से करंट नहीं निकला, इसे बोलते हैं ओपन सर्किट। जब मैंने की को दबा दिया, सेल में से करंट बाहर आ गया, तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। ये नॉर्मल टर्म है, ये क्वेश्चन में यूज होती है। ओपन का मतलब करंट बाहर नहीं निकला, क्लोज का मतलब करंट बाहर निकला। तो इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का काम ही तब है जब सर्किट क्या है, क्लोज्ड है, जब करंट बाहर निकलेगा। तो व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल, तो इसको कैसे मेजर किया जाता है, वी के साथ। और वैसे सेल की ईएमएफ क्या है, ई। तो वी और ई में क्या डिफरेंस है ये बता दिया।